मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बेल बॉटम में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी वाणी कपूर और ये ऑफिशियल हो चुका है। वाणी कपूर ने खुद अपने और अक्षय कुमार की एक फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है और ये न्यूज ऑफिशियल करी है। उन्होंने बताया है कि वो काफी खुश हैं अक्षय कुमार के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। वहीं बता दें कि बेल बॉटम की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। ये मूवी 2021 2 अप्रैल को रिलीज होगी। हाल ही में विद्युत ने ट्वीट करके बताया था कि वो कितने डिसअपॉइंटेड है कि हॉटस्टार के लाइव सेशन में उनको नहीं इनवाइट किया गया, जबकि उनकी मूवी भी रिलीज होने जा रही है हॉटस्टार पर। इस ट्वीट को देखते हुए कंगना ने विद्युत को सपोर्ट किया। कंगना की टीम ने लिखा कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आउटसाइडर्स को अभी भी गंदी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, वहीं जब वो खुद ही एक आउटसाइडर है इन सब चीज़ों में। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अभी भी काफी ज्यादा सदमे में है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेकर, एज वो उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे और उन दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा गहरा था। वहीं अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को और कल ही रिया चक्रवर्ती का बर्थडे था। रिया ने ये फैसला लिया कि वो इस साल अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करेंगी सुशांत सिंह राजपूत की वजह से। कार्तिक आर्यन डायरेक्टर ओम राउत के साथ काम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्शन फिल्म के लिए, जो कि एक 3D फिल्म होगी। बताया जा रहा है कि ये फिल्म अभी के लिए होल्ड पर रखी गई है क्योंकि इसके स्क्रिप्ट में काफ़ी चेंजेस करने बाकी हैं, लेकिन फैंस के लिए ये बुरी खबर नहीं है क्योंकि ये फिल्म शेल्फ नहीं हो रही है बल्कि सिर्फ होल्ड पर रखी गई है। बताया जा रहा था कि लॉकडाउन से पहले कार्तिक आर्यन इस फिल्म की शूटिंग करने वाले थे भूल भुलैया 2 शूट करने के बाद। हाल ही में महेश भट्ट और आलिया भट्ट ने अपने आने वाली फिल्म सड़क 2 का पोस्टर रिवील किया। वहीं इस वजह से दोनों को किया जा रहा है जमकर ट्रोल। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद स्टार किड्स को टारगेट किया जा रहा है, वहीं आलिया भट्ट को भी बॉयकॉट किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी उनकी मूवीज नहीं देखेगा। आलिया भट्ट ने तो अपने इंस्टाग्राम पर अपने कमेंट सेक्शंस लिमिट कर दिए हैं, लेकिन आदित्य रॉय कपूर ने भी ये पोस्टर शेयर किया है और उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन लिमिट नहीं किया था। इसकी वजह से अब उनके कमेंट सेक्शन में काफी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने अमेज़न के साथ 2 साल की डील साइन की है और इसके लिए प्रियंका चोपड़ा को $multi-million मिल रहे हैं। जी हाँ, और अमेज़न वाले खुशी खुशी दे रहे हैं प्रियंका को इतनी रकम। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर ये न्यूज़ अपने फैंस और फॉलोवर्स के साथ शेयर की और वो बहुत खुश नज़र आ रही हैं इस कोलैबोरेशन के साथ। उन्होंने बताया कि वो कोई भी लैंग्वेज में काम कर सकती हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज। ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट दोनों बॉलीवुड स्टार्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोनों स्टार्स को इनविटेशन मिला है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की तरफ से। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑस्कर अनाउंस करती है। आलिया और ऋतिक अगर ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन में वोट कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिल्म और मूवी थिएटर्स 3 महीने से बंद पड़े हैं, वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थिएटर वालों को और मूवी इंडस्ट्री वालों को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। अगर इसका रकम जोड़े और टोटल रकम देखें तो ये है 4500 करोड़ का लॉस, जो कि एक बहुत बड़ी रकम बताई जा रही है। वेल, ये न्यूज़ भी सामने आ रही है कि अगस्त से थिएटर्स खुल सकते हैं और सबसे पहले जो मूवी रिलीज़ होगी थिएटर्स में वो होगी बागी 3। भारत में ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं जो फ्री में बॉलीवुड के नए नए मूवीज दर्शाते हैं। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र के साइबर डिपार्टमेंट ने ऐसी 10 मूवीज की लिस्ट निकाली है, जैसे गली बॉय, बाहुबली, मर्दानी 2। अगर आप ये मूवीज को फ्री प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो आपके लिए फ्रॉड का खतरा बढ़ सकता है। आमिर खान ने हाल ही में एक नोटिस के साथ ये रिवील किया था कि उनके हाउस स्टाफ में से किसी को कोरोना वायरस हो गया है। वहीं अब सारे हाउस मेंबर्स का टेस्ट लिया जा रहा है। आमिर खान ने आगे जाकर अपनी मदर का कोरोना वायरस टेस्ट रिवील किया। उन्होंने बताया कि उनकी मॉम कोरोना वायरस के लिए नेगेटिव निकल कर आई हैं। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।